और फ्रेंड इस व्हीकल की प्राइस की बात करें, और फ्रेंड इस व्हीकल की लेंथ की बात करें, डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करें, और इस व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, तो इंजन की बात और इसकी वारंटी की बात करें, तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ सोनू और स्वागत है मेरे चैनल डायग्नोसिस ट्रक में। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाटा का न्यूली लॉन्च मार्को पोलो स्कूल बस। चलिए इसका रिव्यू करते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। जैसा कि देख सकते हैं, इसका फ्रंट व्यू काफ़ी आपको मैक्सी डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बड़ा सा विंडशील्ड मिल जाता है, ऊपर में एक स्कूल बस की स्टिकर देखने को मिल जाती है, वहाँ पे ऊपर में 80 किलोमीटर पर आवर वाला स्टिकर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाता है देखने को, दो वाइपर मिल जाते हैं इसमें बड़े बड़े, और यहाँ पे मार्को पोलो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और हनीकॉम डिजाइन में यहाँ पे भी ग्रिल छोटा सा मिलता है आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्टी के लिए व्हाइट कलर का स्ट्रैप्स देखने को मिल जाता है। मिडिल में आपको चमकता हुआ टाटा का लोगो मिल जाता है, और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं दो आपको राउंड शेप में हैलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाते हैं, और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिलता है जो कि राउंड शेप में है, और यहाँ पे भी आपको हनीकॉम डिजाइन में रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाते हैं, और नीचे में भी आपको कुछ ऐसा ग्रिल देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक टोचन पिन के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ से टाइट वगैरह करके आपका व्हीकल अगर ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो आप अपनी जगह तक पहुँच सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं फॉग लैंप लगाने का भी स्पेस मिलता है आपको। यहाँ पे आप कट करके फॉग लैंप राउंड शेप वाला लगा सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसका साइड प्रोफाइल आपको दिखाते हैं, साइड प्रोफाइल में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड जैसा कि इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ब्लैक और येलो कॉम्बिनेशन में कलर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड विंडो मिलता है कुछ ऐसा आपको बड़ा सा, और इस साइड में भी आपको विंडो मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है पीछे देखने के लिए, यहाँ पे गेट खोलने का मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, और नीचे में उसका पार्किंग लैंप भी देखने को मिलता है। और टायर की बात करें तो फ्रेंड टायर आपको 17.5 इंच के देखने को मिलते हैं, रेडियल टायर जो कि ट्यूबलेस टायर है। और ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं चारों व्हील में, जो कि हाइड्रोलिक पे वर्क करता है। और यहाँ पे फुटस्टेप कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ से आप आराम से चढ़ सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं इमरजेंसी डोर का मिल जाता है। ये आपको इमरजेंसी के टाइम में ही ऑपरेट करना है, इसको रेगुलर बेसिस पे ऑपरेट नहीं करना है। और यहाँ पे डेप्थ टैंक भी मिलता है फ्रेंड, जो कि 18 लीटर का है, ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी हुई है। और इस व्हीकल में आप बाहर का डेप यूज़ ना करें, कंपनी का डेप यूज़ करें, जिससे कि आपका व्हीकल में वारंटी से रिलेटेड या फिर कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आपको कंपनी वारंटी आराम से दे दे। अगर आप बाहर का डेप यूज़ करते हैं तो आपका वारंटी अवॉइड हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए अपने व्हीकल को यूज़ करें। और देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड आपको ग्रिल्स मिल जाते हैं पाइप्स के, और विंडो ग्लास का मिलता है, इसलिए इसको बचाने के लिए यहाँ पे गार्ड्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल, और सेफ्टी के लिए स्ट्रैप्स कुछ ऐसा देखने को मिलता है येलो कलर का। और यहाँ पे फ्रेंड डीजल टैंक देखने को मिलते हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से आप ऑपरेट करके अपने डीजल को फुलफिल कर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 60 लीटर के साथ में आती है, ये भी आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में देखने को मिलता है। और पीछे की बात करें तो पीछे का टायर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपको, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे आपको व्यू देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड चलिए इसका पीछे का व्यू दिखाते हैं, पीछे से कैसा दिखता है व्हीकल। और फ्रेंड जैसा कि इसका पीछे का व्यू देख सकते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट का विंडो देखने को मिल जाएगा, ऊपर में आपको दो लाइट मिल जाएंगे सिग्नल के लिए, मतलब हाइट पे कितनी है व्हीकल वो देखने के लिए लाइट लगाई गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल में भी आपको LED मिल जाते हैं देखने को, और सेफ्टी के लिए स्ट्रैप्स कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ स्कूल बस की स्टिकर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे TAT लिखा हुआ टाटा का चमकता हुआ लोगो मतलब मिल जाता है आपको, और यहाँ पे मार्को पोलो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और तीन लाइट मिल जाते हैं, एक आपका ब्रेक लाइट है, एक इंडिकेटर, एक रिवर्स, और बैक सेंसर आपको 5 देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का स्पेस देखने को मिलता है। और फ्रेंड चलिए इसका इस साइड का प्रोफाइल दिखाते हैं कैसा देखने को मिलता है। और फ्रेंड इस साइड का प्रोफाइल देख सकते हैं कुछ उसी साइड का जैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्टिफनी के लिए मिल जाते हैं टायर, और यहाँ से उसका मैकेनिज्म कुछ यूज़ कर सकते हैं, नीचे करके आप अपना यूज़ में ला सकते हैं। और यहाँ पे आपको गेट कुछ ऐसा देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक प्लेट मिलता है, यहाँ पे आप कुछ अपना लिख के लगाना चाहें तो आराम से लगा सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं विंडो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका डिज़ाइन के लिए भी एक ग्लास दिया गया है, और यहाँ पे एयर फिल्टर का बॉक्स देखने को मिल जाता है, और इसमें एयर फिल्टर को क्लीन नहीं करना है, टाइम टू टाइम चेंज करना है, सीधे स्टिकर रहता है एयर फिल्टर जब खोलिएगा तो वहाँ पर डू नॉट क्लीन दिस एयर फिल्टर। इससे होता क्या है फ्रेंड, आपका व्हीकल का माइलेज अच्छा रहता है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आता व्हीकल में पिकअप से रिलेटेड, और टर्बो चार्जर इंजन वगैरह सारा कुछ सेफ रहता है। अगर आपका इंजन में कोई प्रॉब्लम आता है, एयर फिल्टर टाइम टू टाइम चेंज नहीं किए हैं, तो टाटा मोटर अगर वारंटी
अगर आपकी व्हीकल वारंटी में रहेगी तो वारंटी देने से मना भी कर सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए एयर फिल्टर को अपना टाइम टू टाइम चेंज करें। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिरर देखने को मिल जाते हैं। और इस व्हीकल की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 200 mm का देखने को मिल जाता है, और इसकी व्हील बेस की बात करें तो 2955 mm का देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड इस व्हीकल की पूरी लंबाई की बात करें तो 18 फीट की देखने को मिलती है, और हाइट आपको 9 फीट का देखने को मिल जाता है। ये मिनी बस है, छोटी जैसे छोटे बच्चों के लिए ये बस बनाई गई है, तो उस हिसाब से सारा हाइट और लेंथ को रखा गया है। और आप अगर आप वीडियो में ये बात भी आप बोलिएगा कि इससे अच्छा तो विंगर है, विंगर मानते हैं अच्छा है, लेकिन विंगर में कंजेस्टेड हो जाता है, और बच्चों के लिए ये व्हीकल सही होने वाली क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी मिल जाता है आपको, जिससे कि आपका वेंटिलेशन वगैरह सही रहेगा। और ये व्हीकल एसी और नॉन एसी दोनों में आती है, आप जिसमें लेना चाहें। ये व्हीकल नॉन एसी वाला वेरिएंट है, अगर आप एसी वाला लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एवेंचुअली इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं, अंदर में क्या कुछ देखने को मिलता है आपको। और फ्रेंड देख सकते हैं फुटस्टेप कुछ ऐसा देखने को मिलता है, काफ़ी कम हाइट का फुटस्टेप मिलता है, जैसे कि देख सकते हैं इतना में ही फुटस्टेप आपका मिल जाता है, तो छोटे बच्चे लोग आराम से चढ़ सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे स्पेस भी मिल जाता है काफ़ी आपको, जैसे देख सकते हैं इतना का स्पेस देखने को मिल जाता है, मतलब मेरा जूता पूरा आ जा रहा है इसमें, और छोटा बच्चा लोग रहेंगे तो यहाँ तक ही आएगा। ये चीज़ काफ़ी सही है, अगर दो बच्चा एक साथ भी चढ़ जाता है तो गिरेगा नहीं, और यहाँ पर भी आराम से वो चढ़ सकता है। और फिर चलिए अंदर देखते हैं और कुछ। और फिर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्लेट भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप पकड़ के आराम से चढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी पकड़ने का मिल जाता है। सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी सही बनाया गया है इस व्हीकल को। और आइए अंदर आपको दिखाते हैं। और फिर देख सकते हैं अंदर का भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आप पॉज करके वीडियो को सीटिंग कैपेसिटी भी गिन सकते हैं कितनी है। और सीट काफ़ी छोटा छोटा है, लेकिन बच्चा लोग के लिए बनाया गया गाड़ी तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, मतलब अगर बड़ा आदमी बैठता है तो दो जन आराम से बैठेगा, और छोटा बच्चा बैठता है तो इस साइड में दो जन और इस साइड में तीन जन आराम से बैठ सकता है, जैसा कि देख सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 20 प्लस ड्राइवर में आती है, और अगर बड़े लोग बैठते हैं तो थोड़ा ये सीटिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे बैग रखने का भी स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, अच्छा सा ग्रिल दिया गया है, आराम से बैग वगैरह रख सकते हैं। और इस साइड में देख सकते हैं पीछे में आपको इमरजेंसी के लिए हैमर मिल जाता है, अगर बच्चा लोग बैठता है तो इसको हटा ही दे यहाँ से, क्योंकि धड़ाम से मारेगा आपका फूट जाएगा शीशा, तो इस चीज़ को ध्यान दें। जैसा कि आपको पीछे का पीछे में मिल रहा था वैसा आपको आगे में भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड LED लाइट देखने को मिल जाती है पूरी व्हीकल में, यहाँ पे एक आपको मिलता है, एक आपको उस साइड में मिलता है, और यहाँ पे आराम से पकड़ सकता है अगर कोई खड़ा भी है बड़ा आदमी तो। अब बच्चे लोग तो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, लेकिन बड़े हैं तो आराम से पकड़ के जा सकते हैं। और इस साइड में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे हेल्प बटन देखने को मिल जाता है छोटा सा। और फ्रेंड चलिए इसका इंजन दिखाते हैं, उसके बाद आपको डैशबोर्ड वगैरह दिखाते हैं। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इंजन का भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बोनेट मिल जाते हैं इंजन को चेक वगैरह करने के लिए, फ्यूल व्यूल आप देख सकते हैं यहाँ कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है, सारा कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ऑयल व्यूल चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिपस्टिक दिया गया है। और इस व्हीकल की अगर इंजन की बात करें तो इंजन आपको टाटा का मिलता है 4S PCR। इसकी पावर की बात करें तो आपको 100 HP का पावर, इसकी पावर की बात करें तो पावर आपको 100 HP निकाल के देती है 2800 RPM पे, और जो मैक्सिमम टॉर्क है 300 Nm का मिलता है 1400 से 2200 RPM पे। पावर काफ़ी सही मिलता है आपको, टॉर्क काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। और ये इंजन आपका 407 जितने भी थे BS4 में भी आता था और BS3 में भी यूज़ किया गया था, उसी को अब मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके BS6 में भी लाया गया है। ये इंजन जल्दी फेलियर होती नहीं, इसलिए टाटा धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ाते जा रही है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई वगैरह करके, क्योंकि तो काफ़ी सही है। और अगर इसकी वारंटी की बात करें फ्रेंड पूरी व्हीकल की, तो ये आपको 5 साल और 5 लाख किलोमीटर की मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है, अब तक का सबसे बड़ा वारंटी टाटा की इस वाले व्हीकल में मिलता देखने को आपको, मतलब ILCV सेगमेंट में। बड़ी वाली व्हीकल जैसे MNCV SCV में आपको 6 साल वाला तो मिलता ही है, ILCV में आपको 5 साल और 5 लाख किलोमीटर की देखने को मिलती है। और इसकी बॉडी की वारंटी जैसे कि 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की देखने को मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन फ्री है, इतना टाइम तक कोई तरह का प्रॉब्लम आएगा तो कंपनी देखेगी उसको, अगर आप सर्विस वगैरह टाइम से कराते हैं। और सर्विस इंटरवल की बात करें तो फिर सर्विस इंटरवल इसका 60,000 और 1 साल का देखने को मिल जाता है, मतलब 60,000 किलोमीटर या 1 साल में आपको सर्विस करा लेना है। और फ्रेंड सर्विस में ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि इंजन ऑयल चेंज करा लिए, रियर फिल्टर दिखाएं, अगर रियर फिल्टर में दिक्कत है तो उसको चेंज किए, और एयर फिल्टर को चेक कराते हैं, एयर वगैरह मराते हैं। जैसा कि मैंने बताया एयर फिल्टर को आपको क्लीन नहीं कराना है, और जो जो सर्विस मैनुअल में आपका लिखा हुआ कि ये सब चेंज होगा तो उसको चेंज करा लें, ताकि कभी कोई तरह का प्रॉब्लम आए तो कंपनी ये ना बोले कि आप सर्विस में एयर फिल्टर चेंज नहीं कराते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ आप जानते हैं कि मेरा व्हीकल में जो एयर फिल्टर है वो सही है, अभी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कंपनी बोल रही है चेंज करने, उसके अगर सर्विस शेड्यूल के हिसाब से आपको चेंज करा लेना है, उतना आपको नहीं सोचना है कि मेरा एयर फिल्टर तो सही था, उसको आप भले रख लीजिए कोई अदर व्हीकल में यूज़ कर लीजिए, लेकिन उस टाइम आप चेंज करा लीजिए।
और फ्रेंड चलिए इसका डैशबोर्ड वगैरह आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको फायर एग्जीक्यूटर देखने को मिल जाता है। ये आपका ऑपरेटेबल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। यहाँ से आपका पाइप वगैरह मतलब सेंसर वगैरह लगा हुआ, वहाँ पे आपको फायर का अलार्म मिलता है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपका नोजल लगा हुआ है, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है। इसमें कोई हैंडल नहीं दिया गया, जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, कहीं पे कोई तरह का आपको नोजल देखने को नहीं मिलता है कि दाब करके आप स्प्रे कीजिएगा। देख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिल जाता है, फुल्ली मतलब ऑटोमेटिक है ये। और यहाँ पे आपको छोटा वाला फायर एग्जीक्यूटर मिलता है, ये आपको खुद से ऑपरेट करना होगा। और फ्रेंड चलिए आपको दिखाते हैं इस साइड का प्रोफाइल। इस साइड देख सकते हैं फ्रेंड, कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पीछे देखने के लिए मिरर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फायर का अलार्म देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्पीकर के लिए स्पेस दिया गया है। और इस व्हीकल में स्पीकर नहीं मिलता है, एसी वाले में आपको पूरा म्यूजिक सिस्टम के साथ में आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के लाइट के लिए कुछ फ्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको लैंप मिलता है, जैसे कि छोटे छोटे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका सायरन मिल जाता है फायर के लिए। और इस साइड में देख सकते हैं फ्रेंड, इस साइड में आपको हैमर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे मेडिकेट बॉक्स देखने को मिल जाता है, और को पायलट का सीट कुछ ऐसा देखने को मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका सर्विस बुक रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड मिल जाता है, आप बोर्ड में कुछ लिख के डाल सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक व्हीकल जाएगी, या जो जो भी स्कूल का है। बाकी तो स्टिकरिंग वगैरह कराते हैं स्कूल वाले अपने स्कूल के नाम से। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपका ट्रैक्शन कंट्रोल इस व्हीकल में नया डाला गया है, जिससे कि आपका व्हीकल ब्रेकिंग के टाइम में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। आप गाड़ी अचानक से मतलब क्लच छोड़ते हैं तो वो आपका कंट्रोल में रहता है। और यहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए दिया गया है। ये दोनों बटन को फ्रेंड जो भी यूज़ करेंगे, बच्चे लोग से बचा के रखिएगा, इसको यूज़ नहीं करना है बिना ज़रूरत के। अगर ये दब जाता है तो आपका व्हीकल में पुअर पिकअप से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। इमरजेंसी डोर का आपको लाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ लाइट मोड, हैवी मोड, इंजन ब्रेकिंग, आपका टूल बॉक्स में अगर लैंप की ज़रूरत है तो यहाँ जला सकते हैं, यहाँ से आपको ऊपर का लैंप जलेगा, यहाँ से फैन चलेंगे, और इससे भी आपका मतलब लाइट ऑपरेट होगा। और यहाँ पे आपको एक सिगरेट लाइटर देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इसका सीटिंग कम्फर्ट मतलब पायलट वाला सीटिंग कम्फर्ट, और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाता है। तो जितने ड्राइवर भाई मेरा वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट लगा के ही चलें, जिससे कि आप सेफ रहें। और कुछ ऐसा आपको सीटिंग पोस्चर देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ से आगे पीछे भी आपका हो जाएगा अपने हिसाब से। और इसकी अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फुल्ली एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है, जैसे कि देख सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सही फीचर डाला टाटा ज़्यादातर व्हीकल्स में डाल रही है, जिससे कि आपका राइड काफ़ी कम्फर्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, गियर नॉब कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स, 5 प्लस रिवर्स देखने को मिल जाता है। और स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्पोर्टी देखने को मिल जाता है, यहाँ चमकता हुआ टाटा का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न के लिए बटन मिल जाएंगे। इस साइड में पियानो फिनिश में डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये व्हीकल थोड़ी सी गंदी है फ्रेंड, माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फ्रेंड, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, 4 एनालॉग मीटर देखने को मिलता है, इधर आपका इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर, इस साइड में स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल का गेज देखने को मिल जाएगा। ऊपर में देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि एक लिखा हुआ आ रहा है, कोई तरह का एरर भी आता तो वो यहाँ पे शो हो जाता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। यहाँ ऑडोमीटर रीडिंग मिल जाएगा, ट्रिप का मिल जाएगा, यहाँ माइलेज मिल जाएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ 12.7 का माइलेज है। ये व्हीकल माइलेज आपको 15 तक का देती है, 10 से 15 तक का, उसी के बीच में आपका माइलेज रहता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे अभी चालू है, उसका इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको न्यूट्रल गियर, यहाँ हैवी मोड, लाइट मोड आ जाएगा, यहाँ पे आपको डेप का मिल जाता है, बैटरी वोल्टेज यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे टाइम देखने को मिलता है, 4 बटन मिल जाते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। मिडिल में आपको चमकता हुआ टाटा का लोगो देखने को मिलता है। और फ्रेंड इस साइड की बात करें तो इस साइड आपको क्लच फ्लूइड डालने के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपका मतलब OBD कनेक्टर मिल जाता है, जैसे कि आप गाड़ी को डायग्नोज वगैरह करवाते तो यहाँ से लगेगा आपका। यहाँ पे बैटरी का स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हजार्ड का स्विच देखने को मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए नॉब देखने को मिल जाते हैं। कॉम्बिनेशन स्विच की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आप जानते हैं जैसे कि आपका नया व्हीकल सारे में आप क्रूज कंट्रोल डाला गया है, तो इस व्हीकल में भी डाला गया है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से वाइपर भी आपका ऑपरेट हो जाएगा। और इस साइड की बात करें तो इस साइड में आपको वही इंडिकेटर का मिल जाता है स्विच, और आपका पास लाइट और हेडलाइट ऑन ऑफ करने का भी स्विच इसी में आपको देखने को मिलता है। और फ्रेंड जैसा कि आपने अंदर का व्यू देखा, अंदर का व्यू अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस व्हीकल में कमाल का फीचर मिलता है फ्लिटेज सपोर्ट का, जैसे कि घर बैठे व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं, व्हीकल अभी कहाँ है, कितनी स्पीड में चल रही है, क्या मेरा ड्राइवर कितना देर खड़ा किया गाड़ी को कहाँ पे, क्या यूरिया है व्हीकल में, क्या डीजल है, क्या माइलेज दे रही है, सारा कुछ आपको घर बैठे ही बता देगी स्मार्टफोन पे ही, जो कि कमाल का फीचर मिलता है आपको, जिससे कि आप अपने व्हीकल से कनेक्ट रहते हैं, एनी टाइम आप देख सकते हैं क्या है। और एक आपको एंटी थेफ्ट अलार्म भी देखने को मिल जाता है इसमें, जैसे कि 5 लीटर
4 लीटर ऐसे करके अगर आपका डीजल ड्रेन होता है एक बार में, तो आपको एक अलार्म जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, आप पता कर सकते हैं कि का है इतना मतलब डीजल एक बार में कम हुआ है। और फ्रेंड इस व्हीकल की प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम दिल्ली 20,14,000 देखने को मिलती है, जो कि शेयर टू शेयर वेरी करती है। आप अपने नज़दीकी डीलरशिप में जाकर पता कर सकते हैं क्या प्राइस अभी चल रहा है। तो फ्रेंड इसी टॉपिक के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी तरह का दिक्कत होगा, कोई भी क्वेरी होगा कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं ऐसा ही ट्रक और कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थोड़ी सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। जल्दी मिलता है कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।